प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं और उत्साह जो है वो अब वहां पर कई गुना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन करते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं और अपने आप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और पहली बार कोई पार्टी वहां पर तीसरी बार चुनाव जीती है और वो भी अपने पहले के दो प्रदर्शनों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए। आज की कार्यवाही के आरंभ करने से पूर्व मैं सभी महानुभावों को राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित करता हूं। जनगणमन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में अतिथि देवो भव सर्वोपरि है। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उपमुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकंपा से हम कृतार्थ हैं श्रीमान। आज बहुत पवित्र दिन है, अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है, हम सबके लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है।
माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नायब सिंह सैनी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को
हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरबीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरबीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महीपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महीपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महीपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महीपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संचुर्जित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती श्रुति चौधरी जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. माननीय
राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कुमारी आरती सिंह राव जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राजेश नागर जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता परिवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री गौरव गौतम जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री गौरव गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मंच पर आसीन सभी महानुभावों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का और मंत्रीगण का कुछ शुभकामनाएं और सादर साधुवाद देता हूं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुमति चाहूंगा कि आज की कार्यवाही समाप्त करें। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से राष्ट्रगान के लिए अनुरोध करता हूं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड वंदा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
तो हरियाणा के पंचकुला से हरियाणा में नई सरकार